पंचायत मध्य प्रदेश सचिव संगठन का जिला अध्यक्ष अभी मुझे मनोनीत किया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से खैरलांजी जनपद के ग्राम पंचायत नवेगांव पंचायत में पदस्थ सचिव जितेंद्र चित्रियू को बालाघाट जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जिला कार्यकारिणी का विस्तार कर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन नगर के निजी लॉन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव नामदेव राउत व संभागीय अध्यक्ष विजय यादव की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर के सचिव उपस्थित रहे। इस अवसर पर मौजूद संगठन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने जितेंद्र चित्रीव को नियुक्ति पत्र सौंपा है। जिला पंचायत मध्य प्रदेश सचिव संगठन का जिला अध्यक्ष अभी मुझे मनोनीत किया गया है। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी, आपने किस सोच को लेकर किस रणनीति के तहत मतलब ये पदभार ग्रहण किया? प्राथमिकता यह रहेगी कि प्रदेश स्तर से, प्रदेश संगठन से जो भी कार्य योजनाएं बनेगी उसको अपने बालाघाट जिले तक पहुँचाना और शासन प्रशासन से समन्वय स्थापित कर मेरे सचिव साथियों की जो भी समस्या रहेगी उसको मैं अपने उच्च अधिकारियों के पास बैठ करके अपनी बात रखना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना और समय समय पर जो भी आदेश निर्देश प्रदेश स्तर से हमारे संगठन का होगा उसका कर्म यानी अक्षर सह पालन किया जाएगा, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक मामला आया था जनपद पंचायत किरनापुर से, जो पर आरोप लगा है कि पंचायत के सचिव पर अभद्र व्यवहार करते हैं, ये क्या पूरा मामला? अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, किंतु कुछ साथियों के द्वारा फ़ोन पे बताया गया है, तो मैं अभी, आज तो शपथ ग्रहण समारोह है, इसके बाद में मैं तुरंत ही दो चार दिन के अंदर में किरणापुर ब्लॉक में जाकर के सचिव साथियों की बैठक लूँगा और जो समस्या आ रही है उसके संबंध में सबसे पहले मैं वहाँ के आदरणीय सीओ साहब से बैठ करके चर्चा करूँगा और उनको अवगत कराऊंगा कि सचिव एक कर्मचारी है और आपके अधीनस्थ कर्मचारी होने के नाते उनके साथ में कम से कम अभद्र व्यवहार या भाषा का थोड़ा संभल करके उपयोग करें। और इनसे इतना जब काम लिया जाता है, पूरे विभागों की यदि शासन की रीढ़ की हड्डी बोला जाए तो पंचायत सचिव होता है, और इनके साथ में यदि आप इस प्रकार से अभद्र व्यवहार करेंगे तो ये उचित नहीं है। पहले मैं समन्वय स्थापित करने का प्रयास करूंगा और यदि उसका अच्छा प्रतिसाद नहीं आएगा तो उसके बाद में आगे कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाएगी। थैंक यू जी। राव जी, किन विषयों को लेकर आज आपका चिंतन बैठक का आयोजन किया गया? जी, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ आप सभी साथियों का। मैं नामदेव राउत, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजपूत जी ने अवगत कराए आप सभी को सभी बिंदुओं पर, आज हमारे बालाघाट जिले का जो यहाँ पर जो आयोजन का उद्देश्य है, प्रमुख रूप से कि आज हमारी नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है सर्वसहमति से। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक संदेश का विषय है और मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी इस अवसर पर आगमन हुआ। पूरा बालाघाट जिला समस्त सचिव साथियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही उन्होंने समस्त योजनाओं के संबंध में और सचिव के समस्त कर्तव्यों के संबंध में आपको अवगत कराया है। वो निश्चित ही मूलभूत है और गंभीर चिंतन का विषय है। साथ ही एक बिंदु हमारा सरकार की ओर से एक लंबित है कि जो समय वेतनमान की जो गणना है उसका आदेश लंबित है और वो सरकार की ओर से आदेश जारी होना चाहिए। बालाघाट आगमन हुआ किस उद्देश्य को लेकर के आगमन हुआ था? देखिए, बालाघाट का ये मेरा दूसरा आगमन है। यहाँ नवीन जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है सर्वसम्मति से। पुराने जिलाध्यक्ष आदरणीय भजन बलके जी ने स्वेच्छा से इस्तीफा सौंपा था, उसी तारतम्य में यहाँ सर्वसम्मति से जितेंद्र चित्रीव जी को जिलाध्यक्ष चुना गया और समस्त कार्यकारिणी बनाई गई। तो जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। हमने संगठन में एक नई प्रथा डाली है कि जहाँ भी हमारे जिलाध्यक्ष या पदाधिकारी नव निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, तो हम उस जिले में कार्यकारिणी का और अध्यक्ष महोदय का शपथ ग्रहण कराते हैं। इससे संगठन के प्रति हमारी साथियों की, हमारे पदाधिकारियों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये सब जाहिर होती है और एक नई परिपाटी डाली हमने जिससे सभी लोग एक दूसरे से रूबरू हो सकें।
सर, ये देखा गया कि इस दौरान सचिवों को काफ़ी तकलीफ भी हुई है, जैसे बजट को लेकर के भी बहुत सारा हवाला दिया गया है, इसको लेकर के आप किस तरह की गाइडेंस? मार्गदर्शन, आपकी बात से सहमत भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिसंबर 21 से मैंने पदभार संभाला है प्रदेश अध्यक्ष पद का। दिसंबर 21 के पूर्व जो स्थिति थी उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, दिसंबर 21 के बाद हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। बहुत कम ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई हैं कि वेतन के लिए हमें भटकना पड़ा हो, हमारे साथियों को परेशान होना पड़ा। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पहले जहाँ हमें चार चार माह तक वेतन नहीं मिलता था, पाँच पाँच माह तक, अब हमें कम से कम, अधिकतम यदि होता है तो एक आध माह हम विलम्ब होता है, और उसमें भी हम सुधार करवा रहे हैं। मैं लगातार भोपाल जाता हूँ, वल्लभ भवन जाता हूँ, ACS से मिलता हूँ, हमारे आयुक्त महोदय से मिलता हूँ, कि किसी भी तरीके से पंचायत सचिवों का वेतन 1 तारीख को भुगतान किया। और इसमें हमारी एक पहल चल रही है, हम एक कदम उठा रहे हैं, शासन से वार्तालाप कर रहे हैं कि हमारा वेतन जो है ग्लोबल बजट से भुगतान हो। तो ग्लोबल बजट से यदि वेतन भुगतान होता है तो किसी भी प्रकार से डिमांड की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो सचिवों की संख्या है उसके हिसाब से वेतन अपने आप अलाट हो जाता है। सर, क्या रणनीति बनाई जा रही है अभी सचिवों को लेकर के आपके द्वारा? रणनीति में आपको यहाँ कोई खास रणनीति तो नहीं है, फिर भी जो पिछली सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे लिए किया है, बड़े ही सहज हृदय से किया है, मैं आपके माध्यम से, पूरे बालाघाट के माध्यम से उनको जितना साधुवाद दूँ उतना कम है। हमने जो मांगा था वो मिला, हमने 7वां वेतनमान मांगा था, 7वां वेतनमान मिला, हमने सेवानिवृत्त साथियों को 3 लाख रुपए, जो हमने 10 लाख मांगा था, स्वाभाविक बात है सरकार उतना नहीं देती, सेवानिवृत्त साथी आज हमारे खाली हाथ घर नहीं जा रहे हैं, 3 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं। चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा सहायता, आयुष्मान में हमारा इलाज के लिए पोर्टल अपडेट हो रहा है, संभवतः नवरात्रि के बाद एकदम से हमारा आयुष्मान कार्ड बनने लगेंगे। और अनुकंपा का सरलीकरण, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 800 से 1200 के लगभग अनुकंपा आश्रित दर दर भटक रहे थे, हमने एक उसको मिशन के रूप में काम किया और अनुकंपा आश्रितों के जो नियुक्तियाँ नहीं मिल रही थी, मुझसे लिखवा के लिया सर ने कि आप पड़ोस के जिले में पहुँचाना चाहते हैं। हमने कहा सर, यदि नौकरी मिलती है तो नरसिंहपुर वाले को जबलपुर भी चल जाएगा, बालाघाट वाले को मंडला भी चल जाएगा। तो उसी दिशा में पहल की है हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय पंचायत मंत्री महोदय ने, सबसे पहला काम अनुकंपा आश्रितों को अनुकंपा में सरलीकरण का किया, और आज अनुकंपा आश्रित आप भी देख रहे हैं नियुक्ति पा चुके हैं। जो आपके माध्यम से मैं सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, पंचायत सचिव पूरे मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रामीण विकास की धुरी है, और 75% जो राशि है, योजनाएं हैं, सिर्फ पंचायत सचिव चलाते हैं। कहीं ना कहीं जिले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिवों को परेशान किया जाता है, जानवर भगवाए जा रहे हैं, संडे के दिन, रविवार के दिन, आप सैटरडे के दिन, छुट्टी के दिन काम करवा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ के जिला प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि पंचायत सचिव भी एक कर्मचारी है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है सप्ताह में 6 दिन का, सप्ताह में 5 दिन काम का, तो वो पंचायत सचिवों में भी लागू होता है। और जिला प्रशासन ये जान ले कि पंचायत सचिव जब तक चुप है चुप है, लेकिन जब अति हो जाती है तो सबसे ज़्यादा और सबसे खूंखार यदि है तो पंचायत सचिव संगठन है। हम सरकार से किसी भी प्रकार से टकराव नहीं चाहते, प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, हम समन्वय से काम करना चाहते हैं, सिर्फ हमारे हितों पर कुठाराघात ना हो, हम सरकार से समन्वय बनाकर काम करेंगे। ये कहता हूँ, सरकार ने हमें हमारी सभी मांगे पूरी कर दी है, सिर्फ हमारा विभाग में संविलियन रह गया है, तो हम एक मिशन मोड में मात्र विभाग में संविलियन लेकर चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है डॉक्टर मोहन यादव जी पर, हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी पर, हमारी पूरी सरकार पर हमें भरोसा है कि पंचायत सचिवों का इस कार्यकाल में विभाग में संविलियन अवश्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।